दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खेली हिंदुत्व कार्ड। गुजरात निर्वाचन पूर्व एक नुआ नारा दे केजरीवाल, नोट्रे रहु प्रभु गणेश और मां लक्ष्मी फटो, बापूं फटो और अन्यपटे दुई ठाकुर फटो रखा जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को एपरी निवेदन कर दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल। नुआ छपा जावा नोट्रे व्यवस्था हो, धनधान्य देवी मां लक्ष्मी और विघ्न विनाशक होती गणेश, तेणु सबु विपदर रक्षा मिल। इंडोनेशिया मुस्लिम बहुल राष्ट्र होता सत्वे सेठाकार नोट्रे गणेशों फटो रही, तेणु केन्द्र सरकार एवं एने पदक्षेप बोली से अपील कर। आज मेरी केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है, तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हर महीने फ्रेश नोट छपते हैं, वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे 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 करते करते सर्कुलेशन में काफी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। केजरीवाल का ही मंतव्य परे एबे जोर धरी राजनीति। बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र केजरीवाल को दोमुहा बोली कहिछंती। हिंदू धर्म विरोध में अनेक बयान पूर्वरु देइछंती केजरीवाल। दीपावली पालिले जेल रे भर्ती करदेवा को कहुथिबा व्यक्ति एबे काहिकि हिंदू देवादेवी को नै राजनीति करुछंती बोली से प्रश्न करिछंती। कांग्रेस भी दिल्ली मुख्यमंत्री को कड़ा भाषा रे समालोचना करिछंती। बीजेपी रो बी टीम हेउछि आप निज स्वार्थ पई सबबेले केजरीवाल मंतव्य बदलांती बोली कहिछि कांग्रेस। ये हिंदी चलचित्र में कहावत है, एक गाना है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए तो किस प्रकार से यूटर्न किया जाता है आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यूटर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विगत वर्षों में कहा था कि जहां राम मंदिर बन रहा है, जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो अस्पताल बनना चाहिए। कश्मीरी पंडितों को दिल्ली में नौकरी देने से इनकार करने वाले अरविंद केजरीवाल, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर हंसने वाले अरविंद केजरीवाल आज अचानक जो हिंदू बनने की चेष्टा कर रहे हैं, ये यू टर्न की पराकाष्ठा है। आपके भाई आपके साथी मनीष सिसोदिया ने जिस प्रकार मोटा माल शराब माफिया के माध्यम से कमाया है, भगवान कभी माफ नहीं करेंगे, मां लक्ष्मी कभी माफ नहीं करेगी। इस प्रकार जो शराब में घोटाले करते हैं और गरीबों के पैसों का गबन करते हैं, ये देखिए हम लोग बार बार कहते थे ये बीजेपी और संघ की बी टीम है, तो जब चाहेंगे सेकुलर कार्ड खेल देगा, जब चाहेंगे धर्मनिरपेक्ष दिख जाएगा, जब चाहेंगे किसी न किसी धर्म की भावनाओं को भड़काएगा, जब चाहेंगे तो अपने आप को किसी जाति विशेष का बता देगा। तो ये तो वो आदमी है कि जैसे उसको लगता है कि उसको वोट मिलेगा उसमें ये कूद पड़ता है। इसकी ना कोई समझ है, ना कोई निष्ठा है, ना कोई इसकी अपनी किसी आइडियोलॉजी के प्रति कोई भी वफादारी है। हम लोगों ने जैसे कहा था बार बार बीटी, गुजरात में तो और निखर कर आ रही है, अपना नाम बढ़ाने के लिए कहता है विदेशी अखबार ने क्या कहा, दिल्ली में टीचर की कहाँ ट्रेनिंग होगी, विदेश में होगी, जैसे ये देश पूरा का पूरा खोखला है। उदाहरण देने हो तो इंडोनेशिया से लो या किसी और देश से लो, जैसे हमारी राज्य सरकारें अपने में बेहतर नहीं है। तो इसके अंदर में भी एक बिल्कुल हीन भावना अपने देश की उपलब्धियों के बारे में है और एक दास्ता की भावना है जहाँ तक और देश है। तब यही प्रसंग आग को एक रोचक मोड़ ने आशा करा जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।